नमस्कार दर्शकबिन, आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं, अब कुछ समय के बाद आने वाला 2019 है, ये साल आप लोग के लिए कैसा रहेगा और किस राशि के लिए उत्तम फल प्रदान करेगा तो किस राशि के लिए निम्न फल प्रदान करेगा, इसके संदर्भ आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम द्वादश राशि होते हैं, द्वादश राशियों में से जिस ग्रह उच्च होकर और समृद्धायक दृष्टि से जिस ग्रह को भाव को देखेंगे वही राशि हमेशा उत्तम फल प्रदान करेगा। इसलिए ध्यान रहे, सर्वप्रथम आता है मेष राशि। मेष राशि वाले बालक के लिए आने वाला जो साल है मध्यम गति का है, क्योंकि आने वाले जो साल है जनवरी फरवरी और मार्च तक उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, तो उसके बाद उनके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली का माहौल उत्पन्न होगा। यही परिवार के क्षेत्र में देखेंगे तो मेष राशि वाले के लिए परिवार क्षेत्र बहुत अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है, तो पुत्र और पुत्री के क्षेत्र से भी उनको संतुष्टि प्राप्त होगा। व्यापार और बिजनेस क्षेत्र में अप्रैल तक जाके थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी क्षेत्र में अगर आप बेच बिखन करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ये भी जाके आपको जून जुलाई में जाके इस स्थिति भी आपको बहुत बेहतर होगा। प्रॉपर्टी क्षेत्र से भी आपको संतुष्टि मिलेगी। कर्ज जो आपने ले रखा है वो कर्ज भी आपको जुलाई तक जाके कर्ज भी सब खत्म हो जाएगा और आय के क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा स्थिति दिखाई दे रहा है। इसलिए आने वाला जो 2019 है वो आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला है। तो आइए अब हम बात करते हैं वृष राशि के ऊपर। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, तो वृष राशि वाले जातक के लिए ये वर्ष बहुत उत्तम फल प्राप्त होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी, परिवार और शिक्षा, आय, बिजनेस सभी क्षेत्र में तरक्की होगा। और क्योंकि फिलहाल भी शुक्र अपने अस्तित्व भाव में विद्यमान होने से आने वाले जो 2019 है उनके जीवन में बहुत सारे खुशियों का अंबार खड़ा होगा। इसलिए जिसका वृष राशि है उनका जीवन में बहुत उत्पन्न और उत्तम फल का आगमन होगा। तो आज हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि वाले बालक के लिए आरंभिक महीने बहुत अच्छा होगा, तो जुलाई 15 और अगस्त 15 इसमें जाके थोड़ी उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा और अंतिम में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर उनको जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होगा। और व्यापार बिजनेस जो भी आरंभ करना चाहते हैं, जिनका हो नहीं पा रहा है, वो जाके अक्टूबर नवंबर में जाके उनका बिजनेस भी आरंभ हो जाएगा, जिससे जीवन में सभी प्रकार के सुख संपदा आरंभ हो जाएगा। जो नौकरी व्यवसाय की प्रयत्न कर रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनके लिए भी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के क्षेत्र में जाके नौकरी का क्षेत्र प्रबल होगा। तो कर्क राशि वाले के लिए बात करते हैं। कर्क राशि वाले के जीवन में आने वाला 2019 संघर्षपूर्ण रहेगा और संघर्ष के साथ में जाके 15 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक उनके जीवन में तब कुछ अच्छाइयों का आगमन होगा, नहीं तो उन्हें अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से घबराएं नहीं, भगवान शंकर की सेवा करें और भगवान का नाम स्मरण करते रहें, पूजा पाठ करें, जिससे आपकी जो राशि पर कमजोरियां उत्पन्न है ये सभी कमजोरियां दूर होकर आपको सफलता भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए कर्क राशि वाले बालक के लिए थोड़े संघर्ष का समय आया है और इसमें संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। तो सिंह राशि वाले के ऊपर बात करते हैं। सिंह राशि वाले के लिए अगस्त में जाकर उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा और जब तक जीवन में संघर्ष का साया रहेगा और भगवान शनिदेव भी कूर होकर उनकी ग्रह क्षेत्र में दृष्टि बनाने से उनके जीवन में थोड़ी खलली आ सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आय में कोई समस्या नहीं होने का, लेकिन मानसिक तनाव और मानसिक विकार अधिक रहेगा। परिवार में अशांति का माहौल बना रहेगा, तो पुत्र पुत्रियों से के क्षेत्र से भी आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगा। अगर किसी सिंह राशि वाले के
अगर गर्भ में कोई बालक है तो उन्हें विशेषकर 2019 में ध्यान रखना होगा, नहीं तो थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए लाल चीज आप दान करें और भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते रहें। तो आइए आज हम बात करते हैं फिर मिथुन राशि वाले के ऊपर। मिथुन राशि वाले के लिए भी ये आने वाले जो संवाद है ये मध्यम रहने वाला है, क्योंकि आरंभिक क्षेत्र में अच्छा होने के बाद मध्यम साल में उनके लिए थोड़ी संघर्ष का आगमन करा सकता है। तो अंतिम अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के जो क्षेत्र होगा उसमें थोड़ी मानसिक तनाव और पैसे फंसने का संभावना बनेगा, इसलिए उस समय आप सहज तरीके से चले, किसी के साथ बड़ा लेन देन ना करें, जिससे आपका हर प्रकार क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगा। तो प्रॉपर्टी खरीदते समय विशेषकर आप ध्यान रहे कि आपके साथ छल और कपट ना हो। और विशेषकर तुला राशि वाले बालक के लिए 12 अंक से बच के रहें और इनसे सावधान रहें और किसी पर कोई समस्या नहीं, और 1 अंक का विशेष प्रयोग करें जिससे जीवन में बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो तुला राशि वाले बालक के लिए आने वाले जो संबंध है वो बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है, और नाम से उच्चारण जिनका तुला राशि से होता है उनका आने वाला जीवन में हर प्रकार के सुख शांति और समृद्धि के साथ परिपूर्ण होगा। और आप कोई बड़ा कार्य करने के लिए आप इच्छा है और आप करते भी आए हैं, वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो आपका आने वाला 2019 में वो हर कार्य आपका सफल होगा और पूर्ण होगा। और आशा करते हैं कि जिसका तुला राशि है उन्हें सफेद चीज विशेषकर दान नहीं करना है, और हरे चीज प्रतिदिन अगर दान कर सकते हैं या फिर बुधवार के दिन दान कर सकते हैं तो जीवन में सब प्रकार सुख समृद्धि के साथ में रोजगार व्यापार वृद्धि से आपको संतुष्टि प्राप्त होगा। तो वृश्चिक राशि वाले बालक के लिए मानसिक तनाव का माहौल बना रहेगा। विशेषकर वृश्चिक राशि वाले बालक के लिए मानसिक तनाव का कारण इसलिए भी रहेगा क्योंकि मंगल अपना पूर्ण अस्तित्व भाव में उत्पन्न ना होने से आपको अधिक समय से जो कष्टाई चल रहा आ रही है ये समय और आपको लंबा होने वाला है। और ध्यान रहे, नवंबर 4 नवंबर से लेकर आपका जो जीवन में जितने भी संघर्ष आपने किया है उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस साल अंतिम में जाकर आपका किया हुआ संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वाले बालक के लिए किसी भी यार दोस्त अथवा कोई भी किसी के साथ झगड़ा है तो वहाँ ना जाएं, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कुछ जैसा कानूनी केस वगैरह भी क्यों क्षेत्र में भी आपको कमजोरी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस क्षेत्र से थोड़ी सावधानी बरतें और अंतिम समय में आपका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए धनु राशि वाले बालक के लिए बात करते हैं। धनु राशि वाले बालक के लिए मध्यम है, अगर भगवान विष्णु की सेवा परम तरीके से करेंगे तो आने वाला 2019 है ये बहुत अच्छा फल प्रदान कर सकता है, ध्यान रहे। और जिसके कुंडली में बृहस्पति निम्न होकर विद्यमान है उनके लिए भी भगवान विष्णु जी का अगर सेवा करते हैं तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। तो धनु राशि वाले के लिए अगर वैवाहिक क्षेत्र में अगर दिक्कत है तो वैवाहिक क्षेत्र में आई हुई दिक्कत भी समाधान होने का पूर्ण चांस बना हुआ है, जिसके फरवरी के बाद शादी का योग भी आरंभ होगा और संतान प्राप्ति में बाधा वाले की संतान प्राप्ति का भी योग बना हुआ है, इसलिए थोड़े आर्थिक क्षेत्र से आपको कमियों का सामना करना पड़ सकता है स्टार्टिंग जो 2019 होगा और अंतिम समय में जाके अच्छा होने का योग भी आरंभ है। तो आइए आज हम बात करते हैं फिर से मकर राशि वाले बालक के लिए आने वाला जो साल होगा बहुत अच्छा है, और भगवान शनिदेव आपके ऊपर विशेष तरीके से परम कृपा आपको प्रदान करने वाले हैं, इसलिए मकर राशि और कुंभ राशि वाले बालक के लिए यह आने वाला जो समय है बहुत अच्छा है। और कुंभ राशि वाले बालक के लिए साल के अंतिम समय में थोड़ी कठिनाई चोट पटक लगने की संभावना है, इससे सावधान रहे। तो अंत में मीन राशि वाले बालक के लिए अगर वैदेशिक यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस साल तैयारी करें, आपका वैदेशिक यात्रा में आई हुई समस्या दूर होगा और प्रॉपर्टी क्षेत्र में आई समस्या दूर होगा, तो आर्थिक स्थिति से जो आपके अंदर कमजोरियां हैं ये सभी कमजोरियां दूर होगा और आपकी आर्थिक स्थिति से लेकर मानसिक लगा जीवन में सभी प्रकार के सुख शांति और समृद्धता योग का आगमन होगा, इसलिए मीन राशि वाले बालक के लिए बहुत अच्छा योग का आगमन है। और विशेषकर मीन राशि वाले बालक के लिए 4 अंक का विशेष ख्याल रखें और 11 अंक से फरेज रखें, 4 अंक का विशेष आप उसको यूज में लें तो आपका हर कार्य मनोरथ पूर्ण होगा। हस्तमित्र आज के लिए इतना ही, और विविध प्रसंग लेकर पुनः उपस्थित रहूंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में आके जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और सब्सक्राइब का जो बटन है नीचे लाल अक्षर में है तो उसको दबा दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सर्वप्रथम हमारा जो वीडियो होगा वो आपको ही प्राप्त होगा। हरिओम।